वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। ये न्यूज आपको मध्य प्रदेश से आ रही है। इसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जहां इन कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए वित्तीय वर्ष में मानदेय में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार आगामी बजट में प्रावधान करने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार 180,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए आगामी बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा और साथ ही साथ वित्तीय प्रावधान होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय भी अगले वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय दोगुना कर दिया गया, यानी मानदेय में 5,750 रुपये से बढ़कर 11,500 रुपये हो गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये की कमी कर दी गई और राशि का उपयोग नई भर्तियों के लिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन वित्तीय वर्ष में बीत जाने के बाद से ये भर्तियां नहीं हुई। इसके बाद वर्तमान में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में जो भी आगामी बजट आएगा उसमें जो भी ये 1500 रुपये और सहायिका को 750 रुपये का मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 180,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जल्दी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। जैसे आगामी जो भी बजट पेश होगा उसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये बढ़ाकर और सहायिका को 750 रुपये बढ़ाकर उसका मानदेय में वृद्धि की जाएगी। आगामी बजट में जो भी पेश होगा उसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,500 रुपये जो उसके मानदेय में जमा हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है और पीछे आपको बेल आइकन को दिखेगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह की जानकारी आप इस चैनल पर आपको देख सकते हो।